राजीव नगर नामी एक गांव में सांबा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक व्यापारी था और वो सब्जियां बेचने का काम करता था। उनके गांव के किसानों से सब्जियां कम दाम में खरीदता था और अपनी दुकान में रख कर उसका दाम दुगना कर देता था। इस तरह वो दुगना पैसा कमाया करता था। उस गांव में उसकी तरह ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बेचने वाला और कोई नहीं था, जिससे गांव के सारे लोग सांबा से ही आकर सब्जियां खरीदा करते थे। जैसा वो काम करता था वैसा ही उसका पैसा दुगना भी हो जाता था। कम दाम में सब्जियां खरीदकर ज्यादा दाम में बेचने के बावजूद भी उसकी सारी की सारी सब्जियां खत्म हो जाती थी, क्योंकि सांबा के सिवा वहां सब्जियां बेचने वाला कोई और नहीं था, जिससे सांबा को बहुत ज्यादा पैसे कमाने की लालच आ गई थी। अरे भाई, ये क्या है? सब्जी बेच रहे हो कि कोई सोना? दिन ब दिन इसके दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। खरीदने के लिए सारा पैसा सब्जियों के लिए ही खत्म हो जाता है। हमारे भी बारे में कुछ सोचो। अगर ऐसे दाम में तुम बेचोगे तो हमारे पास तो सिवाय सब्जी खरीदने के कोई और काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि सारे पैसे इसी में खत्म हो जाएंगे। मैं भी तो सब्जियां खरीद कर ही लाता हूँ। अब तुम लोगों को बेचूंगा तो कुछ तो फायदा तो रखूंगा ही ना। 1-2 रुपयों में तुम्हारा क्या जाएगा? मुझे भी तो जीने दो। अगर मैं फायदे के बिना कोई काम करूंगा तो मेरा भी तो पेट मुझे पालना है ना। देखो भैया, क्या देता हूँ। अगर मेरे दाम पे लेना मंजूर है तो लेकर जाओ, वरना छोड़ दो ना। इस तरह सांबा लोगों से बहुत ही घमंडी तरीके से बात करता था, क्योंकि सांबा ये जानता था कि उस गांव में उसके अलावा और सब्जियां बेचने वाला कोई नहीं है, जिससे उसको ये पूरा विश्वास था कि गांव के लोग चाहे वो दाम कितना भी क्यों न कहे, सब्जियां तो उसी से आकर खरीदेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब वो लोगों का बहुत पैसा खा चुका था, वो बहुत सारा पैसा जमा भी चुका था। उस गांव में एक नया लड़का आ जाता है और वो सांबा के सब्जियां बेचने का तरीका देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसको पता था कि सब्जियों का असली दाम ये नहीं है, लेकिन सांबा लोगों के विश्वास से खेल रहा है और उनका दुगना पैसा खा रहा है। ये देखकर भी वो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद उसको समझ आया था कि अब इस सांबा के खेल को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के मासूम लोग इसे पे विश्वास करते हैं और ये जितने को बेचता है उतने को ही खरीदते हैं, जिससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसने सोचा कि अब तो इसका काम किसी भी तरह बंद करना पड़ेगा। ये सोचकर वो लड़का एक सब्जियों की दुकान लगा लेता है, जिसको देखकर सांबा बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे, हमारे गांव में मेरे सिवा सब्जी बेचने वाला एक और है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस गांव में सब्जी बेचने वाला कोई रहेगा तो वो सिर्फ सांबा रहेगा। उसके अलावा कोई और होगा तो उसको मैं जीने नहीं दूंगा। सांबा के इतना सब कुछ कहने के बाद भी राजेश उससे बिल्कुल नहीं डरता है और वो रोजाना अपना काम वैसे ही करने लगता है। कम दाम में ही गांव के सारे लोगों को सब्जियां बेचता था, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हो जाते थे और सारे लोग आकर उसी से सब्जियां खरीदते थे। अब सांबा के पास सब्जी खरीदने के लिए कोई भी नहीं जाता था, जिसको देख सांबा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह इस लड़के का काम बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम ऐसे ही करता रहेगा तो मुझे तो फायदा मिलना तो दूर की बात, असल दाम भी नहीं मिलेगा। फिर ये सोचकर सांबा कुछ किराए के गुंडों को उसके पास भेज देता है और कहता है कि उस लड़के को खूब डराए, जिससे वो डर कर काम बंद कर दे और ये गांव छोड़कर भी भाग जाए। लेकिन जैसा सांबा ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके भेजे गुंडे तो रमेश के पास गए जरूर थे, लेकिन मार तो रमेश ने ही खाई, बल्कि रमेश ने खुद ने उन गुंडों की खूब पिटाई की थी, जिससे वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। देखो सांबा, मैं जानता हूँ कि मुझे मारने के लिए तुमने तुम्हारे गुंडों को भेजा था, लेकिन एक बात याद रखना सांबा, मैं तुम्हारे किराए की गुंडों से या फिर तुमसे कभी डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत नाइंसाफी से काम करते हो। बेचारे मासूम से गांव वालों का तुम बहुत पैसा खा चुके हो, लेकिन अब ये और मैं चलने नहीं दूंगा।
याद रखना सांबा, कुछ और करने की तुम कोशिश करोगे तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार होकर ही यहाँ आया हूँ। रमेश को देखकर और उसकी कही बातें सुनकर सांबा को कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो लड़के का क्या करे। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर सोचता है कि ये लड़का तो किसी से डरने वाला नहीं है, इसके साथ कुछ अलग ही करना पड़ेगा। इतना सोचकर सांबा ने फैसला कर लिया था कि उस लड़के की सब्जी की दुकान को वो जलाकर राख कर देगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही कर भी दिया था। आधी रात के समय जाकर रमेश की सब्जियों की दुकान को वो आग लगा देता है, जिससे उसकी पूरी दुकान जलकर राख बन जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर रमेश जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका सब्जी का दुकान पूरी तरह से जल चुका था। गांव के कुछ लोग ये सब कुछ देखकर वहां जमा हो जाते हैं। मैंने तो बस एक ही बात सोची थी कि गांव वालों की जितनी हो सके उतनी सहायता करूंगा, लेकिन ये सांबा ने तो हद ही कर दी। मेरे पूरी की पूरी दुकान जलाकर राख कर दिया इसने। अब फिर से मैं इतना सामान और इतनी चीजें कैसे खरीदूंगा? इसके लिए तो मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? इस तरह उसकी तकदीर को खुद ही बैठकर कोसने लगा, जिसको देखकर गांव के सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। सब लोगों ने यही कहा था कि रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, गांव की उसने बहुत भलाई की है, सांबा के नाइंसाफी से हम सबको बचाया था और बहुत ही कम दाम में सब्जियां बेचकर हमारी पूरी सहायता करता था। लेकिन बेचारा देखो कैसी हाल को पहुंच गया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये सारी बातें चल रहे थे तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक इस बच्चे ने जो कुछ भी किया था सब हमारी भलाई के लिए किया था, और आज भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम भी उसकी कोई सहायता करें। भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये बच्चा फिर से हमारे लिए कुछ कर सके, मेरा मतलब है कि हमारा फिर से फायदा करे, लेकिन अब इसकी सहायता हमको करनी पड़ेगी। हम लोग सारे के सारे मिलकर इस लड़के को थोड़ा थोड़ा सा पैसा दे देंगे, जिसको लेकर ये अपना काम फिर से शुरू करेगा। इसको भी जीने का एक काम मिल जाएगा और सारी जिंदगी हमारी सहायता भी करेगा कम दाम में सब्जियां बेचकर। क्या कहते हो आप सारे गांव के लोग? जो बात उस बूढ़े ने कही थी उस बात से गांव के सारे लोग सहमत हो जाते हैं और फिर सब मिलकर अपनी अपनी तरफ से जितना उनसे बन पड़ा था उतनी सहायता करके रमेश को बचा लेते हैं। अब रमेश फिर से कुछ कर सकने के लायक बन गया था। ये सब देखकर सांबा का गुस्सा तो सातवें आसमान को पहुंच गया था। सांबा ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी करूंगा तो गांव वाले इसकी पूरी की पूरी सहायता करेंगे, जिससे ये फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। अब सांबा ने सोच लिया था कि रमेश को वो जान से मार देगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही करने की भी पूरी कोशिश उसने की थी। आधी रात को रमेश के यहाँ पहुँच जाता है और उस पर जानलेवा हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले गांव वाले आगाह हो जाते हैं। रमेश के लिए पहले से ही दो लोग पहरा देने लगते हैं। उनको शक था कि इस बार दोबारा सांबा इसके साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलने वाला है। जैसे ही सांबा उस पर हमला करने वाला था तभी गांव के लोग उसको रोक लेते हैं और उसको खूब मारते हैं, जिससे सांबा वहीं के वहीं गिर जाता है। फिर पुलिस को बुलाते हैं और उसको गिरफ्तार भी करवाते हैं। सांबा को अपने किए की सजा मिल जाती है और इधर रमेश अपना काम खूब खुशी खुशी से करने लगता है।